Hello everyone. First of all, happy Independence Day. I am Priyanka Rawat. I'll be a moderator of today's session. On behalf of Uttarakhandi professionals, a warm welcome to everyone on today's webinar. Our topic of discussion is New Education Policy 2020. As we all know, the Indian government has replaced old education policy framed in 1986 with the New Education Policy of 2020. The National Education Policy approved by the Union Cabinet makes sweeping reforms in schools and higher education, including teaching. So, a warm welcome to our speaker, Mr. Nirupam Nautiyal. He is a finance professional as well as a faculty of commerce. He is teaching from more than 15 years. He is counselor of Nainital region appointed by ICAI. He is a gold medalist in finance management from ICAI. He is also a winner of Education Excellency Award from the London College of Business and Law, Delhi branch. So a warm welcome to you, sir. Over to you. Thank you. Thank you. Thank you, Priyanka, for the lovely, lovely introduction. So, hi guys. This is CMA Nirupam Nautiyal, and I'm going to discuss about the New Education Policy 2020. First of all, I would like to wish you a very happy Independence Day. And today, as we know that we are discussing the new education policy, I think it is a best day to discuss it. So, without wasting so much of time, I am moving onwards for the presentation. So, मैं चाहूँगा कि presentation या new education policy पे बात करने से पहले मैं कुछ refreshers पे बात करता हूँ education के ही बारे में obviously. So, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि एजुकेशन एक्चुअली है क्या और या फिर हम बात करें कि ये करती क्या है. सो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज इट इज अ ग्रेट लेवलर. एजुकेशन जो हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लेवल के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लेवल अपग्रेड करने में हेल्प करने का काम एजुकेशन करती है. सेकेंड पॉइंट जो है वो है बेस्ट टूल टू अचीव द इक्वालिटी. आपने बहुत बार सुना होगा कि एक बहुत गरीब घर का बच्चा आईएएस एग्जाम क्लियर कर गया तो वो कहीं ना कहीं अपनी इनकम इक्वालिटी या फिर और किसी तरीके की जो डिस्पैरिटी वो फेस कर रहा था पहले वो कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन की वजह से इक्वलाइज हो गई. अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों एजुकेशन हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं या क्या वजह है, तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज की टू इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हम थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करें वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमीज को या हम कहें कि डेवलप्ड कंट्रीज को उनके एजुकेशन सिस्टम या उनके एजुकेशन के लेवल से, तो हम देखेंगे कि बहुत बड़ा कोरिलेशन दिखाई देता है. हर वो कंट्री जो डेवलप्ड है उसके उसके एजुकेशन सिस्टम को अगर आप थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है उसके एजुकेशन का, और यही वजह रहती है कि ऐसी कंट्रीज की इकोनॉमिकली ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है. सेकेंड पॉइंट क्या है, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. एजुकेशन कहीं ना कहीं हमें जस्टिस, सोशल जस्टिस के लिए भी पुश करती है. थर्ड पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन एंड द कल्चरल प्रिजर्वेशन. अच्छा पढ़ा लिखा समाज, अच्छा एजुकेटेड समाज ही अपनी नेशनल इंटीग्रेशन के पॉइंट को हासिल कर सकता है, और साथ के साथ कल्चरल प्रिजर्वेशन को भी. आज की डेट में हम जो देख पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर हम वापस अपने कल्चरल रूट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पीछे के टाइम पर हमने देखा था कि कल्चरल एंगल को हम देख नहीं पा रहे थे, तो ये एजुकेशन पॉलिसी उसके प्रिजर्वेशन के ऊपर काफी पॉइंट्स लेकर आई है, काफी चीजें लेकर आई है. अपार्ट फ्रॉम दैट कंटिन्यूड प्रोग्रेस एंड लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज. आप जानते होंगे बहुत ऐसे बड़े इंडियंस को जो कि दुनिया की बेस्ट कंट्रीज में या हम कहें कि दुनिया की बड़ी कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर इंडिया का नाम ऊंचा करते हैं. लीडरशिप के एंगल से अगर हम चीज़ों को देखें वो सब किस किस वजह से है, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनकी एजुकेशन एक्सेलेंस की वजह से. सो एजुकेशन आपको एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करता है. थर्ड इज व्हाट इज अ गुड साइन फॉर इंडिया टुडे. अगर हम आज की बात करें तो आज की डेट में जो मैं सबसे बड़ा रीजन इंडिया के लिए एज अ गुड साइन देख पाता हूँ वो है इंडिया की यूथ पॉपुलेशन. वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन का चंक जो है वो इंडिया के पास है.
एंड दिस इज द बेस्ट बेस्ट साइन आई बिलीव. नंबर चार, एनईपी क्यों, क्या क्या वजह है, क्या जरूरत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की. अगर मैं बात करूं सबसे पहला, तो हम आज की डेट में बहुत आसानी से इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आज की डेट में जो चेंजेस हैं टेक्नोलॉजिकली, अगर मैं बात करूं तो बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, इन सब चीजों पे बहुत काम हो रहा है. और इन इन चीजों पे काम करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन पॉलिसीज को अपग्रेड करना था, और वो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर मैं बात करूं सेकेंड पॉइंट की, तो जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग बहुत एफिशिएंसी क्रिएट करेगी, साथ के साथ इसका एक लिमिटेशन भी देखने को आएगा, जो कि ये बहुत सारी अनस्किल्ड वर्कर्स की जॉब्स को खा जाएगा. सो अभी अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सेल करना है, तो साथ के साथ हमें ये भी सोचना है कि जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं या अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको कैसे केटर किया जाए, उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए कि वो भी आगे ग्रो कर सकें. तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स इस एजुकेशन पॉलिसी में हैं. अगर मैं थर्ड पॉइंट करूं, और ये मेरे हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी के चेंज का सबसे बड़ा रीजन होना चाहिए, दैट इज क्लाइमेट चेंज. अगर मैं आज की डेट की बात करूं, तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से, कितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो हमें इस तरीके के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की जरूरत है, जो इस एंगल को समझ सकें, इस एंगल पे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें. हमारे पास क्लाइमेट साइंटिस्ट होने चाहिए, और वही सब करने के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी में काफी फाउंडेशनल लेवल से मैं कहूंगा कि काम किया गया. आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज टाइमलाइन ऑफ एनईपी, जो एजुकेशन पॉलिसी है. अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें, तो 1968 में आई थी इंडिपेंडेंट इंडिया में. इसमें जो मेन फोकल पॉइंट था, वो था एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स. तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था कि एजुकेशन सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, हर कोई एजुकेशन का बेनिफिट ले सके. अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, तो 1986 में इसमें मॉडिफिकेशंस हुए, और मॉडिफिकेशन का जो फोकल पॉइंट था, वो था रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज. एक्चुअली है क्या कि हमारे समाज का जो कह सकते हैं हम कि पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी कम्युनिटी से आता है, या फिर अगर हम 1986 के दौर की बात करें, तो उस समय वेमेन्स की एजुकेशन भी बहुत कम हुआ करती थी. तो उस चीज को केटर करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी में 1986 में बदलाव हुए, और इसमें डिस्पैरिटी को खत्म करने की बात कही गई. अगर हम थर्ड पॉइंट पे चले, तो 1992 में इसमें बड़ा बदलाव आया. आप सब लोग आई बिलीव जानते होंगे कि एलपीजी जो 1991 में आया था, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे 1991 के अंदर, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, उसने बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट कर दी थी प्रोफेशनल्स के लिए, टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए, या फाइनेंस प्रोफेशनल की बात करें, तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी थी. तो उस टाइम पर एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई 1992 में. इसमें अगेन बदलाव हुए, और अब जब हम आज खड़े हैं अगस्त 2020 में, तो यहाँ पर मेजर चेंजेस के साथ पूरी पॉलिसी में चेंज हुआ है. ये मॉडिफिकेशन नहीं है, ये कंप्लीट चेंज है, रोल ओवर कर दिया है पुरानी पॉलिसी को. सो हम इसमें जो मैक्सिमम चेंजेस हैं उसकी तरफ जाना चाहेंगे. अगर मैं बात करूं इस पॉलिसी के अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसमें जो सबसे पहला, आप जानते हैं कि यूनियन कैबिनेट ने 31 जुलाई 2020 को इसको अनाउंस कर दिया था. इसका जो इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, कैसे होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त से, यानी कि जिस मंथ में आज हम खड़े हैं, इसी मंथ में मोर देन 100 रिकमेंडेशंस पे सरकार ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी है. एंड दिस इज अ बिग पॉइंट. सो धीरे धीरे करके ही इम्प्लीमेंटेशन होगा. अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलें, तो रेकमेंडेशंस जिस तरीके से सरकार के पास आई थी, तो सरकार ने उनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, एक नॉन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और एक फाइनेंशियल रिफॉर्म्स. दैट मींस कि एक वो रिफॉर्म्स जहां पर सरकार को पैसे की जरूरत नहीं है, बस सिस्टम में बदलाव करने हैं, और एक ऐसी रिफॉर्म्स जहां पर सरकार को पैसे लगाने की जरूरत है. तो जैसे आज हम जानते हैं कि कोरोना पीरियड चल रहा है, सरकार को फंडिंग के इश्यूज भी हैं, इकोनॉमी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में भी है,
तो सरकार पहले ऑब्वियसली नॉन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को ही अप्लाई करेगी। अगर मैं आगे चलूं तो इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए एक कमिटी बनाई गई है जो कि CAB दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कंटिन्यूअसली जो मॉनिटरिंग करेगी, ये इंप्लीमेंटेशन कमिटी उसके लिए रिपोर्टिंग करेगी। अगर मैं आगे जाऊं तो इंप्लीमेंटेशन ये एक साथ भी नहीं होने वाला है एजुकेशन पॉलिसी का। इसमें क्या किया जाएगा कि छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स के थ्रू इसको कुछ जगहों पर पहले शुरू किया जाएगा और उसकी सक्सेस होने के बाद ही इसे नेशनल लेवल पर एप्लीकेबल किया जाएगा। अगर मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो मैक्स टू मैक्स 2022 तक अपने यूनिवर्सिटी में इन सब चीजों की इम्प्लीमेंटेशन करवा लें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पीछे रहे हैं या जिन्होंने इन सब चीजों को शुरू किया है या काम किया है इसके ऊपर। तो उनमें जो सबसे बड़ा नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज मिस्टर के कस्तूरी रंगन। बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी है इंडिया की। इन्होंने इसरो 1994 to 2003 तक इन्होंने हेड किया। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी के टाइम पर ये चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड NIIT यूनिवर्सिटी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं तीसरा इनके बारे में बताऊं तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी पहले चांसलर रह चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कर्नाटक का नॉलेज कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनके अलावा जो सेकेंड पर्सनैलिटी हैं, ही इज ऑल्सो अ वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी, मिस्टर TSR सुब्रमणियन। ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1961 बैच के IAS ऑफिसर हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर ये रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटेलेक्ट दोनों लेवल पर गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के इन दो पर्सनैलिटीज को इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बनाने के लिए रखा है। अगर हम अभी तक के स्ट्रक्चर की बात करें जो आज तक चलता था, मतलब जो अभी तक हम फेस कर रहे थे, वो था 10+2 सिस्टम, जहां पर एज 6 से लेकर एज 16 तक के बच्चे अप टू क्लास 10 तक आते थे और 16, 17 और 18 के बच्चे आपके अगले 11th एंड 12th के लिए आते थे। बट इस सिस्टम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसके फाउंडेशन का ना होना। मैं फाउंडेशन ना होने की बात इसलिए कह पाता हूँ बिकॉज ये रिसर्च में कहा गया है कि अगर 6 साल तक का बच्चा जो है उसका 85% ब्रेन ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बच्चा ज्यादा ग्रो करे तो उसके साथ आपको 6 साल तक की एज में काम करना ही पड़ेगा, उसके फाउंडेशन को क्रिएट करना ही पड़ेगा। बट अभी जो पुराना स्ट्रक्चर था 10+2 का, उसमें वो फाउंडेशन पर काम नहीं हो पाता था। यस, हम अपने अपने लेवल पर बच्चों को रेडी करते थे बट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चे को वो एजुकेशन का जो पिलर था या जो फाउंडेशन थी वो स्कूल्स के थ्रू नहीं मिल पा रही थी। लेकिन हम आज के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये 4 पार्ट्स में इसको ब्रेक किया गया है। पहले जैसे 10+2 था तो अब 5-3-3-4 को रखा गया है। इसमें जो फर्स्ट 3 क्लास तक, मतलब जो क्लास 1 और 2 तक के बच्चे हैं, उनको 5 साल दिए गए हैं जिसमें वो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या प्री स्कूल हम कहें तो उनमें पहले 3 सालों तक रहेंगे और उसके बाद क्लास 1 और 2 में वो 6 से 8 साल की एज तक जा पाएंगे। ये उनका फाउंडेशन बनाने का ये प्रोसेस होगा, ये टाइम पीरियड होगा। उसके बाद अगले 3 साल क्लास 3rd, 4th और 5th में वो रहेंगे फ्रॉम एज 8 to 11। ये उनका प्रिपरेटरी होगा, जो उन्होंने फाउंडेशन तैयार की है पिछले 5 सालों में उसके लिए आगे प्रिपरेशन के तौर पर उन पे काम होगा। उसके बाद मिडिल एजेस में, मिडिल स्कूलिंग में जब बच्चा आएगा क्लास 6, 7 और 8 में एज 11 to 14 के ब्रैकेट में, तो वहां पर एक्चुअली उसे काम करने को मिलेगा जो उसने पिछले 7-8 सालों में ऑलरेडी कर रखा है। यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूंगा कि क्लास 6th की अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है अभी के जो अभी का एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। इसमें बच्चे को इंटर्नशिप क्लास 6th से अलाउ कर दिया गया है।
यानी कि अब बच्चा केवल रोट लर्निंग नहीं करेगा, जो लर्निंग उसकी है किताबों के थ्रू उसको वो प्रैक्टिकल लेवल पर हैंडल करेगा और ग्रो करेगा। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज की डेट में व्हाइट हैट जूनियर और बायजूस और इस तरीके के बहुत ऑप्शंस आज मार्केट में हैं, और आप जानते हैं कि 5 साल की एज में ही बच्चे कोडिंग शुरू कर चुके हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने देखा, समझा और अंडरस्टैंड किया और उसको अप्लाई किया इस पॉइंट पे, ये मिडिल स्कूलिंग के पॉइंट पे। इसके बाद क्लास 9th, 10th, 11th and 12th आती है, जो 14 to 18 के एज ब्रैकेट में आती है, यहाँ पर बच्चा डीप लर्निंग पे मूव करेगा। यहाँ पर भी उसको कई सारे ऑटोनॉमी दी गई है, बच्चे को फ्रीडम दी गई है, तो उसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बात की, तो हम 5 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है की पॉइंट्स, ये मैंने जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लेकर इस एजुकेशन पॉलिसी की, इसके की पॉइंट्स तैयार किए हैं, जो समरी है, और एक शुरुआत में ही मैं चाहता हूं कि वो समरी आपको शुरू में ही दे दूं। इसके बाद के जो 4 पॉइंट्स हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक्चुअल पार्ट है, जिसमें स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अदर की एरियाज ऑफ फोकस एंड मेकिंग इट हैपन, इन 4 चीजों पे बात की गई है। स्कूल एजुकेशन में ऑब्वियसली स्कूल एजुकेशन के ऊपर, देन हायर एजुकेशन, उसके अलावा इनके अलावा कौन से की एरियाज हैं जहां पर सरकार को फोकस करना है, सरकार समझती है, और अगले पॉइंट में ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, इसके ऊपर सरकार ने बात की। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं, तो जो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज अप टू क्लास 5 ओनली मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज विल बी फॉलोड। अब यहां पर जो मदर टंग को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसकी वजह यह है कि ये एक रिसर्च्ड चीज है कि जो बच्चे मदर टंग पर या मदर टंग के साथ अपनी एजुकेशन लेते हैं, उन बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग और लर्निंग एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक रिसर्च चीज है, जापान और जर्मनी ने ऑलरेडी इस पर रिसर्च किया हुआ है, एंड आप जानते भी होंगे कि जर्मनी जैसी कंट्री में मैक्सिमम जो लोग हैं वो जर्मन में ही बात करते हैं, इंग्लिश का उनका जो जो नॉलेज है या जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो एज कम्पेयर टू जर्मन काफी कम है। और इसी के लेकर दूसरा पॉइंट भी है कि अब इंडिया ने भी उसी चीज को फॉलो करते हुए इंग्लिश को कंपल्सरी एजुकेशन के से हटाकर इसको एक लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर दिया है। अब ये कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ाया जा सकेगा, आप चाहें तो आप इंग्लिश को हटाकर कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज पे आप एजुकेट हो सकते हैं। अगर मैं क्लास 6 की बात करूं, तो ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि इंटर्नशिप अलाउ कर दी गई है, जिससे कि बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज एनहांस होने वाली है। इसके अलावा जो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑलरेडी आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में होते हुए देखते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम और ईयरली बेस्ड सिस्टम, ये दो सिस्टम्स होते हैं बेसिकली एग्जाम्स के। तो ईयरली बेस्ड सिस्टम में कहीं ना कहीं मैं खराबियां नहीं कहूंगा, मैं लिमिटेशंस कहूंगा इनको, क्योंकि ईयरली बेस्ड सिस्टम में दिक्कतें ये आती हैं कि बच्चा 12 महीने के टाइम पीरियड में या 10 महीने के टाइम पीरियड में कहूं अगर मैं, तो उसमें से लास्ट के 2 या 3 मंथ ही फोकस करता है, रेस्ट ऑफ द टाइम उसका वेस्ट हो जाता है या वो वेस्ट कर देता है। ये करंट सिस्टम में अभी तक है, लेकिन इसको चेंज करने के लिए सरकार ने सोचा और सेमेस्टर सिस्टम को एप्लीकेबल करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपको विद इन अ टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड में अपने कोर्स को कवर अप करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा वेस्ट करने के लिए। सो इससे कंटिन्यूटी आएगी एक तो लर्निंग में, दूसरा जो टीचर्स हैं बेसिकली उनके ऊपर एजुकेशन के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स भी होते हैं, बहुत सारे वो अदर काम भी करते हैं, तो उनको भी उससे कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है, क्योंकि उनके पास क्योंकि लिमिटेड टाइम होगा तो ऑब्वियसली will focus on education more. Then next point, जो कि बहुत बहुत important point है, 360 degree assessment है report card का। आज की अगर मैं बात करूं, तो आज की date में हम एक बच्चे को अच्छा या बुरा जब education की बात आती है, तो हम उसके marks के basis पर कहते हैं। But मुझे ये system बहुत बेकार लगता है, बड़ा गलत लगता है, because अगर मैं बात करूं एक बच्चे की जिसके 32 marks आए हैं और एक दूसरा बच्चा जिसके 33 marks आए हैं, तो उन दोनों के बीच में एक जो मार्क का गैप है वो एक मार्क का नहीं एक साल का गैप होने जाता है, बच्चा उसको एक साल फेस करता है उस एक मार्क की गैप को।
तो सरकार ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि केवल मार्क्स के बेसिस पर ही बच्चे को असेस करना गलत है, और इसमें बहुत सारे नए तरीके सरकार ने डाले हैं, नई चीजें सरकार ने डाली हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो जो कलीग्स हैं उनके बीच में जो गैप्स मेंटेन हो गए हैं, ग्रुपिज्म हो गया है स्कूल्स में और कॉलेजेस में, तो उसको कहीं ना कहीं ये पॉइंट केटर करता हुआ दिखाई देता है कि किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जैसे इसमें पीयर रिव्यू की बात की गई है इस 360 डिग्री असेसमेंट में, यहाँ पर आप अपने कलीग को भी रिव्यू करेंगे, असेस करेंगे, इनफैक्ट आपको पूरी क्लास के लोग असेस करने जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम टीचर, इनफैक्ट आप खुद को भी असेस करेंगे। तो यहाँ पर 3 लेवल ऑफ असेसमेंट है, जहां पर आप खुद को असेस करते हैं, आपके कलीग्स आपको असेस करते हैं और आपके टीचर्स आपको असेस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट केवल मार्क्स के ही नहीं, आपकी फिटनेस, स्पोर्ट्स, इन सब चीजों पर भी आपको मार्किंग्स मिलने वाली हैं, असेसमेंट आपकी उन बेसिस पर भी होगी। सो कंप्लीट इसे 360 डिग्री ही इसलिए कहा गया बिकॉज ये कंप्लीट असेसमेंट है और सरकार इसे अप्लाई करने जा रही है। नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि संस्कृत को प्रमोट किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नासा और बहुत सारे अदर कंट्रीज, या नासा अगर मैं बात करूं, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक रिसर्च स्पेस एरोनॉटिकल और इन सब चीजों पे काम करता है, तो ऑलरेडी उसने ये बात कह रखी है कि जो संस्कृत है ये बेस्ट लैंग्वेज है फॉर कोडिंग थिंग्स। तो संस्कृत को प्रमोट करने की बात कही गई है बिकॉज संस्कृत, जैसा कि आप जानते हैं, कि हमारी ही कल्चरल और ट्रेडिशनल भाषा है, तो इसको प्रमोट करने का सरकार ने सोचा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक NHERA नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई जानी है। जैसे आप जानते हैं कि UGC, AICTE, NAAC ऐसी बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं आज की डेट में, और इससे कंफ्यूजन्स पैदा होती है, इससे काम में कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं, तो इन सबको हटाकर एक सिंगल रेगुलेटर कर दिया गया, या मैं कहूँ हटाकर नहीं, इन सबको मर्ज कर एक ही रेगुलेटर बना दिया गया है, और उसका नाम होगा NHERA, दैट इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज स्कूल फीस। स्कूल फीस आज की डेट में बड़ा कंसर्न है, हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में स्कूल फीस की बड़ी इश्यूज रहती हैं, तो उसको भी सरकार ने एक लिमिट कर दिया है, उसकी परमिशन रहेगी कि आप एक सर्टेन लिमिट से सर्टेन लिमिट तक अपनी फीस रख सकते हैं, उसे ज्यादा नहीं रख सकते। अगर मैं बात करूं कि अगले पॉइंट की, तो सरकार ने इस बात पर फोकस किया है कि आप क्या लर्न कर रहे हैं, ये तो अभी तक का फोकस है भी, लेकिन लर्न करना कैसे है इस चीज के ऊपर भी सरकार फोकस करने जा रही है कि आपके लिए नई नई मेथोडोलॉजीज, नए नए पॉसिबिलिटीज, नई डिजिटल बेस सरकार लाने जा रही है एजुकेशन के अंदर। अब बात करते हैं की पॉइंट्स पे जो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पिछले पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन एंड एडेप्टेशन। इन चार पॉइंट्स पर फोकस है सरकार का, थ्रस्ट एरिया अगर आप कहें तो यही चार पॉइंट है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर, डिस्कशन बेस्ड एंड फ्लेक्सिबल एंड एंजॉयबल एजुकेशन के ऊपर सरकार काम करना चाहती है। ये बड़े वर्ड्स हैं बट होपफुली सरकार इस पर काम कर पाएगी। इसके अलावा जो करिकुलम है, अभी तक जो करिकुलम रहता है हमारा वो बहुत लिमिटेड सा है, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। अगर मैं स्कूल सिस्टम की बात करूं तो यही तीन पे हम पूरा हमारा एजुकेशन घूमता है, बट अब सरकार इसमें चेंजेस लाने जा रही है आपके करिकुलम में। अब ये को करिकुलर एक्टिविटी ना होकर मेन करिकुलम का पार्ट होंगी, आर्ट्स, क्राफ्ट, गेम्स, स्पोर्ट्स, फिटनेस, लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यूज, इन सब की भी एजुकेशन सरकार इस एजुकेशन पॉलिसी में डाल दी गई। इसके बाद इक्विटेबल एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल द लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ सोशियो एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इनको एक नाम दिया गया है, एक टर्म बनाई गई है SEDG, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। इस एजुकेशन पॉलिसी में SEDG टर्मिनोलॉजी को ऐड किया गया है, जिसमें इन लोगों के ऊपर बहुत फोकस होने जा रहा है जो अभी तक नहीं था। जैसे अगर कोई बैकवर्ड कम्युनिटी का स्टूडेंट था तो उसको तो फंडिंग और सपोर्ट मिल जाता था, बट अब सरकार उसको इकोनॉमिकल एंगल से देखकर उन सब लोगों को भी केटर करने जा रही है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं और एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में गवर्नमेंट एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है,
बट अगर मैं हायर एजुकेशन की तरफ लेकर चलूं तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था जो इसमें अंडरस्टैंड किया गया इस पॉलिसी के ऊपर. एजुकेशन सिस्टम विल बी बेस्ड ऑन द इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि कल्चर और ट्रेडिशन को आपको सेव करना ही पड़ेगा, बिकॉज बिना कल्चर एंड ट्रेडिशन के कंट्री सस्टेन नहीं कर सकती है बहुत लंबे समय तक. तो एजुकेशन सिस्टम में इस कल्चर एंड ट्रेडिशन को बहुत बहुत इन्वॉल्व किया गया है. सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है हेरिटेज ऑफ द एंशियंट इंडिया नॉलेज विल बी रीवैम्प्ड. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, वैसे ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बट अगेन जो एंशियंट इंडियन नॉलेज बेस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है हमारी हिस्ट्री में, और उसको केटर करने की कोशिश की गई है, उनको दोबारा रीवैम्प करने की कोशिश की गई है और उन सब चीजों पर काम करने के लिए कहा गया इस पॉलिसी में. इसके बाद हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. ये इसी दिसंबर 2020 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अब आगे जो हायर एजुकेशन में जब आप जाते हैं, कॉलेज में आप जाते हैं, और उसमें अगर आपने कोई कोर्स ऑप्ट किया और उस पर आप एक या डेढ़ या दो साल बाद आपने उसको छोड़ दिया, कम से कम एक साल आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, एक साल या दो साल बाद अगर आपको छोड़ना पड़ता है तो जो आपके मार्क्स हैं वो सस्टेन रहते हैं और उसको आपको 3 से 5 सालों में यूटिलाइज करना पड़ेगा, वो आपका क्रेडिट है और आप उसको विद इन 3 to 5 years यूटिलाइज कर सकते हैं. ऐसा ये सिस्टम आया है अगर आपको बीच में एजुकेशन छोड़नी पड़ती है तो, हायर एजुकेशन छोड़नी पड़ती है तो ये सिस्टम सरकार इसी साल दिसंबर से लेकर आने जा रही है. इसके बाद एक और पॉइंट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट. ये पॉइंट एबीसी से कनेक्टेड है, दैट मींस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से डायरेक्टली कनेक्टेड है. मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट मतलब कि आप चाहें तो कई बार एक कोर्स से एग्जिट और एंटर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जो अभी तक नहीं होता था. हम अगर लीगली देखें, वैसे तो बहुत लोग करते हैं, बट अगर हम लीगली देखें तो आप एक टाइम पर एक ही कोर्स कर सकते हो रेगुलर बेसिस पर, बट आज अब क्योंकि चैलेंजिंग बन रहा है आगे का टाइम पीरियड, तो सरकार ने एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए अलाउ कर दिया है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग. सो ये थे कुछ की पॉइंट्स. और बात करते हैं हम स्कूल एजुकेशन पर. तो स्कूल एजुकेशन पर 5 चीजों पर बात की गई है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. यहाँ पर बहुत ही जो हम शुरुआती लेवल की बात कर रहे थे आंगनवाड़ी एंड ऑल, तो उस फाउंडेशन की बात की गई है इसमें. इसके बाद है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. इसके ऊपर काम किया गया कि कैसे लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को बच्चों के बीच बढ़ाया जाए. आज की डेट में आप जैसे जानते हैं कि मैथ्स में बड़े सारे बच्चों को इश्यूज रहता, तो क्यों है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर उस पॉइंट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है. थर्ड पॉइंट है कर्टेलिंग द ड्रॉप रेट्स एंड इंश्योरिंग द यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स. ड्रॉप रेट्स आज की डेट में एक बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए. एजुकेशन में बहुत बच्चे एनरोल तो करवाते हैं बट कुछ ही समय में ड्रॉप भी कर देते हैं अपनी एजुकेशन को, तो उस ड्रॉप रेट को सरकार कर्टेल करने की कोशिश कर रही है इस पॉइंट के थ्रू. इसमें हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या पॉइंट्स इसमें आते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट है करिकुलम एंड पेडागॉजी इन स्कूल. जो करिकुलम है आपको थोड़ा सा मैंने इसके बारे में पहले भी बताया कि करिकुलम में जो बड़ा चेंज है वो होने जा रहा है. आर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज भी बहुत सारी को करिकुलर से करिकुलम का पार्ट बनने जा रही है. इसके बाद है स्कूल एग्जाम्स की. एग्जाम्स का सिस्टम क्या रहेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो पहले चलते हैं ईसीई पे, दैट मींस अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ईसीसीई. इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आंगनवाड़ी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. आंगनवाड़ी जो बच्चा शुरू में जब शुरू से सबसे पहले एजुकेशन की तरफ पहला स्टेप रखता है, तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम, अगर मैं विलेज एरिया की बात करूं, रूरल बैकग्राउंड की बात करूं, तो वहां पर आंगनवाड़ी के थ्रू ही वो अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करता है. वहां पर उसको सच कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, बट फाउंडेशन तैयार की जा रही है, उसके 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 बेसिक इंटरेस्ट पर काम किया जा रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है, उसके न्यूट्रिशन लेवल पर, इन सब चीजों पर आंगनवाड़ी काफी काम करती है. इसके लिए अभी तक जो आंगनवाड़ी का सिस्टम था वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था. उसमें कोई फिक्स एजुकेशन बैकग्राउंड या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, बट इसमें सरकार 1 ईयर का मिनिमम डिप्लोमा सरकार को चाहिए होगा अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर बनना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेट कर दी गई है. केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, एक बार अगर आंगनवाड़ी वर्कर ज्वाइन करता है तो उसके बाद उसके ट्रेनिंग्स का भी ध्यान रखा गया, और वो ऑब्वियसली डिजिटल और स्मार्टफोन्स के थ्रू भी होने जा रहा है अपार्ट फ्रॉम ऑफलाइन. इसके अलावा
क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स भी बनाए गए हैं जो कि ट्रेनिंग की मेंटरिंग करेंगे, ट्रेनिंग्स करेंगे और इन इन लोगों के साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं इनके साथ मंथली कम से कम एक बार इनको कॉन्टैक्ट करना होगा। चाइल्ड एजुकेशन की बात करें तो ये हम ऑलरेडी बात डिस्कस कर चुके हैं, सो आई डोंट वांट टू मूव ऑन टू दिस पॉइंट अगेन। ईसीसी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है, क्योंकि जो सबसे बड़ा कंसर्न है भाई हमारे आसपास अगर स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ीज हैं तो हम इजीली उस पर मूव कर जाते हैं, लेकिन ट्राइबल एरियाज एक बड़ा कंसर्न था। तो सरकार ने जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं उनके लिए आश्रम शालाज बनाई बनाने का इस पॉलिसी में कहा है कि ट्राइबल एरिया को भी किस तरीके से अपग्रेड करा जाए और उसको भी मेन मेन लाइन का पार्ट बनाया जाए। अगर मैं बात करूं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है, इसमें ग्रेड 3 से यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करना शुरू करेगी सरकार एजुकेशन के थ्रू लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए। स्टेट वाइज टारगेट सेट किए जाएंगे और इनको आइडेंटिफिकेशन कर ली जाएंगी बाय द ईयर 2025। इसमें सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा जाएगा कि भैया आप अपने जो स्टेट वाइज टारगेट्स हैं वो सेट करो और पहले आइडेंटिफाई करो, उसके बाद सेट करो और उसको फिर अचीव करने के लिए वर्कआउट किया जाएगा। नेक्स्ट है वैकेंसी विल बी फिल्ड। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो अगर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ तो उत्तराखंड में बहुत ऐसे इंटरनल एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट है बट वो फुलफिल्ड नहीं है, वेकेंट रहती हैं पोजीशंस। तो अब टाइम बाउंड मैनर में इनको वेकेंसीज को फुलफिल किया जाएगा। इसके बाद एसटीआर, इस पे बात की गई है, दैट इज स्टूडेंट टीचर रेशियो। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो ये 30:1 रखा गया है, दैट मीन्स एक 30 स्टूडेंट पे हर एक टीचर का होना जरूरी है। सो अगर कोई एजुकेशन पर आगे अपना करियर बनाना चाह रहा है एज अ टीचर, सो उसके लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि वो इस तरफ सोच सकता है, बिकॉज अब टीचर्स की जो वैकेंसी होंगी वो बढ़ने जा रही है और इस एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को बहुत फोकस किया गया है कि टीचर्स को कैसे अपग्रेड किया जाए, उनके नॉलेज लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। तो ऑब्वियसली आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज अ टीचर, बट उसके रिटर्न भी अच्छे हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक नेशनल टीचर्स पोर्टल बनाया जाएगा, दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के थ्रू ये काम किया जाएगा। सारे जो टीचर्स हैं उनकी अपनी एक प्रॉपर प्रोफाइलिंग होगी और वो उस पोर्टल पे डाली जाएगी, जिससे कि मैक्सिमम टीचर्स का जो क्या नाम है, जो बेसिक आइडिया या बेसिक जो डिटेल्स हैं वो उसमें रखा जाएगा, उसने क्या अचीवमेंट्स की हैं, उसके कहाँ कहाँ इशूज हैं, उन सब चीज़ों पर भी काम होगा और वो नेशनल पोर्टल पर ही अवेलेबल रहेगा वो सारा का सारा डेटा। इसके अलावा इसमें पीयर ट्यूटरिंग की बात की गई है। पीयर ट्यूटरिंग में टीचर्स एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करेंगे और आज की डेट में जो ये चीज नहीं होती है इस पर फोकस करने की बात सोची गई है। इसके अलावा सोशल वर्कर्स और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर काम किया गया है। बोला गया है कि भैया जो स्कूल सिस्टम आज की डेट में है उसको कैसे कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू आज के स्कूलिंग सिस्टम को सुधारा जाए, जो ट्रेंड सोशल वर्कर्स हैं वो किस तरीके से इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस किया गया है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो आपका है ड्रॉप रेट का पॉइंट था, जो जैसा हमने पहले बात की थी, सो उसमें गवर्नमेंट का सबसे मेन जो कंसर्न है वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। एनरोलमेंट होते हैं बट उतने नहीं होते जितना सरकार एक्सपेक्ट कर रही है। सरकार चाहती है कि By the year 2040, 100% gross enrollment ratio हो जाए। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग 6.2 करोड़ चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एज फ्रॉम 6 to 18 ईयर्स, 2013 की बात है ये, देवर आउट ऑफ स्कूल। सो 6.5 करोड़ या 6 करोड़ के आसपास जो बच्चे हैं स्कूल एज के, वो स्कूल से बाहर थे, स्कूल में थे ही नहीं अगर 2013 की बात करें तो। ये एक शॉकिंग फिगर हो सकता है बहुत लोगों के लिए एंड ये मैंने एजुकेशन पॉलिसी से ही पॉइंट आउट किया है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को 100% लेकर जाना चाहती है बट बिकॉज ये एक बड़ा कंसर्न है तो 35% एटलीस्ट अचीव करना चाहेगी 2035 तक, और उसके बाद अगर ये अचीवमेंट हो जाती है तो 100% के लिए फोकस किया जाएगा। बात करते हैं करिकुलम एंड पेडागॉजी इन स्कूल्स की तरफ, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम बात कर चुके हैं 5+3+3+4,
10 प्लस 2 से हम ऑब्वियसली इस पॉइंट पर मूव कर गए हैं 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 पे, ये हम बात कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसमें कि इसमें क्लास 2 तक एट द एज ऑफ 8 दो पॉइंट्स को कंसिडर किया गया है कि बुक्स मिनिमल होनी चाहिए और स्पोर्ट्स एंड फन लर्निंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इस चीज पे फोकस किया गया है। इसके बाद एज 8 से लेकर 11 तक के बच्चों को मैथ्स आर्ट्स पॉल साइंस साइंस इन सारी कोर कॉन्सेप्ट्स पे इनको काम करवाना शुरू किया जाएगा। 11 टू 14 में जो मिडिल स्टेज आती है उसमें केवल शेड्यूल्ड स्टडी के ऊपर काम किया जाएगा, जो शेड्यूलिंग होगी जिस तरीके से बच्चे का इंटरेस्ट होगा उसी हिसाब से उसकी एजुकेशन की और पढ़ाई की शेड्यूलिंग होगी और उसी हिसाब से उसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद 14 टू 18 में जब हम बात करते हैं 9, 10, 11 एंड 12 की, तो वहां पर उसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो वो चूज कर पाएगा वहां पर उसकी डीप लर्निंग के ऊपर काम किया जाएगा, उसमें कोर कॉन्सेप्ट्स में जाया जाएगा और डेप्थ स्टडी पे ध्यान दिया जाएगा। गोल बेस्ड उसकी स्टडी होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपने जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम पहले से चला आ रहा है उसी को फॉलो करना है, उसमें टारगेट सेट होंगे और बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आज की डेट में इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो स्ट्रीम बेस्ड आज की डेट में हम पढ़ाई करते हैं साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स, इसमें हमने साइंस को बहुत ऊपर लेवल पर रख दिया है और कॉमर्स और आर्ट्स को सेकेंड एंड थर्ड लेवल पर रखते हैं, तो इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सब्जेक्ट पसंद होते हैं बट जो सब्जेक्ट उसके अलावा हमें मिल रहे होते हैं उस पर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, तो सरकार ने पूलिंग सिस्टम इसमें अप्लाई किया, स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि अगर आपको फिजिक्स पसंद है, साथ में आपको कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पसंद है और अगर वो सेम पूल का पार्ट है, सेम ग्रुप का पार्ट है, तो आप उन दोनों सब्जेक्ट्स को ले पाएंगे। ये सरकार ने इसमें एक बड़ा बड़ा चेंज किया है। इसके अलावा क्लास 12 के बच्चों के लिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का एक बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सा पॉइंट लगता है बच्चों को जो क्लास 12 में होते हैं या जो अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे होते हैं, उनके लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का एक अलाउंस किया गया है और उसमें कहा गया है कि अगर स्टूडेंट को लगता है कि उसके उसके मार्क्स कम है और वो स्कोर नहीं कर पाया तो उसको एक सेकेंड चांस दिया जाएगा। इसके अलावा लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज की डेट में मेरे ख्याल से एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट तो नहीं है, जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी थी उसका पार्ट तो नहीं था, लेकिन इस पॉलिसी में इसको बहुत फोकस किया गया है। इसमें लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो लोकल बच्चे को प्रोवाइड की जाएंगी और इसमें मेनली ध्यान रखा गया है फीमेल्स का। इसके अलावा जो आपके आसपास के लोकल लेवल पर जो लोग होंगे, एमिनेंट पर्सनालिटीज होंगी, जो एक्सपर्ट्स होंगे अपने अपने एरिया में, उनको 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 रिक्वेस्ट की जाएगी, उनको किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट किया जाएगा, उनको इन्वॉल्व किया जाएगा एज अ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्टर्स कि वो नॉलेज प्रोवाइड करें, नॉलेज शेयरिंग करें, अपनी एक्सपर्टीज का फायदा उस लोकल कम्युनिटी के लोगों को दें। इसके अलावा जो टीचर्स के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि आज की डेट में टीचर्स को एक रिटायर सिस्टम से ही पढ़ाना पड़ता है और उसका अपना कुछ एनहांसमेंट नहीं हो पाता, नॉलेज इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता, उसको अलाउ नहीं किया जाता कि वो कुछ अपने तरीके से चीजों को पढ़ा सके, अपने तरीके से चीजों को कर सके। सो यहाँ पर उसको ऑटोनॉमी दे दी गई है, उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं टीचर्स अगर चाहें तो, और साइड बाय साइड उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी कि वो अपने एंगल से, अपने एस्पेक्ट से चीजों को पढ़ा सकें। बात करते हैं स्कूल एग्जाम्स की। सो बोर्ड एग्जाम में बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, इसके ऊपर कहा गया है कि अब आगे आने वाले जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनमें इनको कंपैरेटिवली आसान बनाया जाएगा, लेकिन जो कोर कैपेसिटीज हैं, जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको टेस्ट किया जाएगा बजाय बहुत सारा कंटेंट याद करने और उसको एग्जाम में लिखने के। तो रोट लर्निंग को कहीं ना कहीं अबॉलिश करने की कोशिश की गई है और बोर्ड एग्जाम के जो जो एक डर होता है बच्चों के अंदर उसको खत्म करने की कोशिश है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज स्कूल एग्जाम्स होंगे थर्ड क्लास में, फिफ्थ क्लास में और एट्थ क्लास में। ये काफी हद तक मैं कहूँ कि बोर्ड एग्जाम की तर्ज पर ही होंगे, बोर्ड एग्जाम की तरह ही होंगे, बट विद इन द स्कूल होंगे। और
इसका पर्पस है कि आपका जो प्रोग्रेस का ट्रैक है उसको अंडरस्टैंड किया जा सके कि आप किस ट्रैक पर चल रहे हैं। इसमें एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई है कि एक साल में दो बार एग्जाम होंगे, और दो बार एग्जाम में एक तो आपका मेन एग्जाम जैसे होता ही है, इन जनरल वैसा ही होगा, बट अगर आप चाहें और आपको लगता है कि हमको और इम्प्रूव करना है तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तो एक साल में दो बार एग्जाम्स की पॉसिबिलिटी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बताई गई। ये हमने बात करी थी अभी तक स्कूल एजुकेशन पर। बात करते हैं हम हायर एजुकेशन पर, तो इसमें ये नौ बेसिक पॉइंट्स हैं जहां पर हम क्वालिटी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं कि आज की डेट की क्वालिटी क्या है और हम क्या एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होने जा रहा है, किस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग है इस एरिया में, इसके ऊपर बात करेंगे। होलिस्टिक एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। टीचर्स की एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इनमें इनके लिए इस हायर एजुकेशन के हेड में बात कही गई है। पहला पॉइंट लेते हैं, क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। अगर मैं बात करूं करंट इशू की, तो आपको जानकर ये बड़ा हैरानी होगी कि हमारे देश में 50,000 से ज्यादा ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास 100 से भी कम बच्चे हैं। दैट मीन्स कि कंप्लीटली कमर्शियल एंगल से वो इंस्टीट्यूट खोले गए हैं जहां पर एजुकेशन के लिए कोई भी मतलब पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती। तो सरकार ने इस इशू को अंडरस्टैंड किया है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई किया है और इस पर काम करने की कोशिश है। एज अ रिजल्ट आप जानते हैं कि जब कमर्शियल एंगल से एजुकेशन होगी तो कहीं ना कहीं जो आउटकम्स होंगे, लर्निंग आउटकम्स, वो बहुत ही पुअर होने जा रहे हैं। सो यही इसका मतलब जो इसका रिजल्ट है वो यही रहा ऑब्वियसली कि लर्निंग आउटकम्स आपके बहुत पुअर हो गए। इसके बाद है जो सेपरेशन है डिसिप्लिन का, वो बहुत ही रिजिड है। जैसा हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स में, तो उसको उस रिजिडिटी को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दी गई बच्चों को कि वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज कर सके। आज की डेट में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, SEDG करके एक नई टर्मिनोलॉजी ऐड की गई है जिसमें सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स कहा गया है, चाहे वो सोशली पिछड़े हैं या इकोनॉमिकली पिछड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन, हायर एजुकेशन की तरफ उनकी एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने की बात है इसमें। इसके बाद इस पॉइंट पर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन को भी फ्रीडम दी जाएगी एक सेट पैटर्न से। अगर कोई इंस्टीट्यूशन उसके अलग हटके कुछ और एक्सेलेंस पर काम कर रहा है, कुछ नई इनोवेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको एक सर्टेन लिमिट तक उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी, इंस्टीट्यूशन को भी और टीचर को भी। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो बहुत हैं, बट जब हम बात करते हैं रिसर्च की तो ये बहुत ही शॉकिंगली कम हो जाते हैं, बहुत ही इनका नंबर कम हो जाता है। तो उस पर भी सरकार ने सोचा है, रेगुलेटरी सिस्टम को एम्पावर करने की बात कही गई है। तो इन सब पॉइंट्स पर क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के इस कंटेंट में इन सब इश्यूज को अंडरस्टैंड किया गया और कैसे इनको सॉर्ट आउट करना है, इसके लिए आगे हम बात करेंगे। इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग कंसोलिडेशन, कैसे इनको रीस्ट्रक्चर करना और कैसे इकट्ठा करना है, इसके ऊपर बात की गई है। तो पहला है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक एम दिया जाएगा कि उनको कम से कम 3,000 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ बनाना है, उनको वर्कआउट करना है। ऑब्वियसली अगर उनको 3,000 की स्ट्रेंथ बनानी है तो इसमें कहीं ना कहीं आपको, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था GER, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, उसको बढ़ाने की बात की गई है। तभी ये टारगेट दिया गया कि 3,000 से ज्यादा आपके पास बच्चे हों, इसके लिए आपको पुश किया जाएगा कंटिन्यूअसली। और मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी, आज की डेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है तो सही बट वो एक सिंगल डिसिप्लिन पे काम करती है, जैसे डेंटल यूनिवर्सिटी होती है या इस तरीके की कई सारी कॉलेजेस होते हैं। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सरकार क्लस्टरिंग करेगी इन HEIs की, दैट मींस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, और ट्राई करेगी उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि वो ये 100 बच्चे और इससे कम बच्चों के कमर्शलाइजेशन के चक्कर में ना पड़े और इन सब इतनी पुअर स्ट्रेंथ के साथ, पुअर लर्निंग के साथ एजुकेशन को ना आगे लेकर जाएं, बजाय इसके कि उनका मिनिमम बेस 3,000 का कर दिया गया है।
इसके अलावा तीन पार्ट्स में HEIs को बांटा गया है, या तो अभी तक जो अभी वाले पुराने HEIs होंगे, दैट मीन्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, या फिर जो आगे नए खुलेंगे, उनको तीन पार्ट्स में बांट दिया गया है। पहला होगा रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, जिनको RU कहा गया है। दूसरा होगा टीचिंग यूनिवर्सिटी, TU, और तीसरा होगा ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, दैट इज ACs, इनको ACs कहा गया, ऑटोनोमस कॉलेजेस। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों में अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे या रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज होंगी, तो ऑब्वियसली आप नाम से समझ पा रहे हैं कि इनको मेन रोल जो इनका होगा वो नई इनोवेशंस और रिसर्च पे होगा। तो इन यूनिवर्सिटी को RU कहा गया, इनको कैटेगराइज कर दिया गया। रेस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस होंगे उनको TU या AC में डाला जाएगा। अब ये TU और AC है क्या एक्चुअली, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो दिल्ली में आपको पता होगा हिंदू कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ये अपनी एक्सेलेंस के लिए जाने जाते हैं एजुकेशन में। तो अगर कोई इस तरीके का कॉलेज है या इस तरीके की यूनिवर्सिटी है जिसका अपना जो जो रिजल्ट है, जो उनकी लर्निंग स्टेटस है वो काफी ऊपर है, तो उनको ऑटोनोमस मतलब ऑटोनोमस बना दिया जाएगा, वो खुद ही डिग्री ग्रांट कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर कोई ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका रिजल्ट इस लेवल का नहीं है, तो उनको टीचिंग यूनिवर्सिटी कहा गया है कि वो केवल पढ़ा रहे हैं बट वो डिग्री ग्रांट नहीं कर पाएंगे, उनको किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेना पड़ेगा और देन आफ्टर दे कैन ग्रांट द डिग्री थ्रू दैट एफिलिएशन। लेकिन ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस को एफिलिएशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ग्रांट कर पाएंगे क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। 2040 तक सरकार ने ये टारगेट रखा है कि सारे HEIs जितने भी हैं, अभी ऑब्वियसली ये कुछ ही सालों का काम नहीं है, इसमें 10-20 साल अराउंड कम से कम लगेंगे, तो सारे इंस्टीट्यूट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, जिसमें कोई साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का स्पेसिफिक ना हो, उसमें सारे डिसिप्लिन चलते हों। 50% का 2030 तक रेशियो आ गया है, ये मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। 35% 2035 तक रखा गया था स्कूल एजुकेशन के लिए, बट ये रखा गया है 50% 2030 तक हायर एजुकेशन के लिए। ज्यादा से ज्यादा HEIs एस्टेब्लिश करने की बात कही गई है, कहां पर, जो अंडर सर्व्ड रीजन हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में बहुत बड़ा है एज अगर मैं साइज की बात करूं, इस एरिया की बात करूं, बट अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की तो लिमिटेड है, और ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहां से बहुत बहुत दूरी पर है यूनिवर्सिटीज, तो ऐसे रीजन को अंडर सर्व्ड रीजन कहा गया है, जिनको सर्विंग्स पहले नहीं कर पाई है सरकार एजुकेशन में, तो वहां पर नए HEIs को खोलने की बात कही गई है। इसके बाद है कि जो मैक्सिमम आज की डेट में जो दिक्कत है वो ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत सारे कॉलेजेस को एफिलिएशन दे देती हैं, बट अब इसकी नंबर्स को लिमिट कर दिया गया है। अब ज्यादा से ज्यादा एक यूनिवर्सिटी 300 कॉलेजेस को ही एफिलिएशन दे पाएगी। आज की डेट में कई कई यूनिवर्सिटीज हजार हजार इंस्टीट्यूट्स को भी एफिलिएशन देती है। बात करते हैं होलिस्टिक एजुकेशन की, तो अगर हम अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पे जाएं तो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बाण भट्ट की कादंबरी। इन्होंने कहा गया कि जो एजुकेशन या नॉलेज है ये 64 कला है, इसके अंदर 64 कलाएं हैं, या हम इन्हें आर्ट्स कहें, तो उन 64 कलाओं को अंडरस्टैंड करके सरकार ने इस एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट बनाया। इसमें इन 64 कलाओं को 5 पार्ट्स में तोड़ा गया है। पहला है आर्ट्स, जिसमें सिंगिंग पेंटिंग काइंड ऑफ चीजें आ सकती हैं। उसके बाद है साइंस, जिसमें केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। वोकेशनल, जहां पर हम स्किल बेस्ड की बात करते हैं, तो कारपेंट्री, क्लोथ्स मेकिंग, इन सब की बात हो सकती है। प्रोफेशनल लेवल पर बात करें तो मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, डिस्कशन एंड डिबेट। इन 5 पार्ट्स में 64 आर्ट्स को ब्रेकअप किया गया है और इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इन 5 सेक्टर पे सरकार आगे इस पॉलिसी में काम करने जा रही है। IITs को ज्यादा होलिस्टिक बनाने की बात की जा रही है। जैसे आज की डेट में हम देखें तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ही IIT ओपन है, बट आने वाले टाइम पर इनको ह्यूमैनिटीज से कनेक्ट किया जाएगा। जैसा हम जानते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं या कॉमर्स आपका बैकग्राउंड रहा है, तो आप जानते हैं कि आर्ट मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, राइट?
तो आर्ट अपने आप में और साइंस अपने आप में दो अलग अलग चीजें हैं, बट ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर मैं बात आर्ट की करूं तो आर्ट एक प्रैक्टिकल बेस्ड चीज होती है, जहां पर आपकी प्रैक्टिस के बेसिस पर ही आपको आर्ट डेवलप होती है। लेकिन जहां पर साइंस की बात करें तो वहां पर सिस्टमैटिक नॉलेज होती है। सो IITs में सिस्टमैटिक नॉलेज तो है, प्रैक्टिकल भी है, बट वो एक लिमिटेड एरिया तक है। तो ह्यूमैनिटीज को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि IITs भी मल्टी डिसिप्लिनरी हो सके, होलिस्टिक एजुकेशन हो, कंप्लीट एजुकेशन। फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर बात की गई है, जहां पर अलग अलग डिसिप्लिन के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा या बताया था कि अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट किए जाएंगे, जहां पर जितने भी सब्जेक्ट होंगे, अगर उस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट है तो आप उनमें से सब्जेक्ट्स ले पाएंगे, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन के हों, चाहे वो साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स के किसी के भी डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स हों। अगर वो एक ही ग्रुप का पार्ट है तो आप उनकी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बात करते हैं टीचर एजुकेशन की, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट और अमेजिंगली शॉकिंग पॉइंट है कि जो मिस्टर जेएस वर्मा है, जो कि हमारे जस्टिस में थे, उन्होंने उनकी एक कमीशन थी 2012 की, उनके अकॉर्डिंग 10,000 से ज्यादा टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आज की डेट में। ये उन्हीं के वर्ड्स हैं, उनकी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके ही वर्ड्स हैं कि दे आर सेलिंग द डिग्री फॉर अ प्राइस। दैट मीन्स कि वो एजुकेशन पर कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं रहे हैं, दे आर जस्ट ओनली सेलिंग द डिग्री। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, रेगुलेटरी सिस्टम शैल बी एम्पावर्ड। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर बात कही जा रही है कि जो आज की डेट में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये डिसफंक्शनल है, ये उस लेवल से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए था। तो इनके ऊपर रेगुलेटरी सिस्टम को एम्पावर करने की बात की जा रही है। टीचर स्टूडेंट रेशो, अगर हम हायर एजुकेशन पे बात करें तो ये अगर हमने स्कूल एजुकेशन पे बात की थी तो 30:1 था, लेकिन अगर स्टूडेंट टीचर रेशो अगर यहां देखा जाए तो 10:1 या 20:1 तक मैक्सिमम होगा। बात करें जो टीचर्स हैं जो पढ़ाएंगे, उनकी मिनिमल डिग्री आप जानते होंगे कि बीएड अब 4 साल का होने जा रहा है, और 4 साल की डिग्री मैंडेटरी कर दी जाएगी बीएड की। अगर आप स्कूल टीचर के तौर पर जाना चाहते हैं, स्कूल टीचर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम आपके लिए होगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 2 साल का भी बीएड प्रोग्राम अलाउड किया है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आप 4 साल तो आप करवा ही सकते हैं, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम एक HEI, लेकिन वो चाहे तो 2 साल का भी बीएड प्रोग्राम वो चला सकेंगे, केवल उन लोगों के लिए जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स रहे हैं और जिनके पास अपनी बैचलर डिग्री है और वो चाहते हैं कि वो टीचिंग एरिया में अपना करियर बनाएं, तो उनके लिए 2 साल का बीएड प्रोग्राम रखा गया है। बट कंडीशन है कि वो अपना बैचलर कंप्लीट कर चुके हों और साथ के साथ उनके रिजल्ट्स जो हों वो आउटस्टैंडिंग। पीएचडी स्टूडेंट्स को भी इसमें अपॉर्चुनिटी दी गई है और पीएचडी प्रोग्राम्स कई सारे हैं जिसके वो पार्ट बन सकेंगे। वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, जहां पर स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात बेसिकली होती है। अगर हम आज की डेट में देखें, अगर हम स्टेटस देखें, तो USA 52% वोकेशनल एजुकेट करता है अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्कूल के स्टूडेंट को 52% स्टूडेंट्स को वो वोकेशनली एजुकेट कर देता है। जर्मनी का जो परसेंटेज है वो तो और ज्यादा है और साउथ कोरिया का अमेजिंगली हाई है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया का जो परसेंटेज है दैट इज लेस देन 5%। ये एक बड़ा कंसर्न है इंडिया की वोकेशनल एजुकेशन के लिए, तो उस पर फोकस किया गया। बाय द ईयर 2025 50% इसका टारगेट सेट किया गया है कि वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाए, कम से कम 50% बच्चे वोकेशनली एजुकेट हों स्कूल से और हायर एजुकेशन सिस्टम से। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले MHRD थी, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहलाई जाएगी, उसमें एक नेशनल कमिटी बनेगी जो कि इंटीग्रेशन करेगी वोकेशनल एजुकेशन का और इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन के थ्रू। That means इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करेगी ये नेशनल कमेटी और उसी के अकॉर्डिंग वोकेशनल एजुकेशन को प्लान करेगी और उसी को अप्लाई करके आप कह सकते हैं कि इस एरिया पे काम किया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी आपको पॉइंट किया था
कि आज की डेट में जो मशीन लर्निंग है या एआई है, ये कई सारे अनस्किल्ड लोगों की जॉब को खा जाएगा। बट अगर बात करें वोकेशनल एजुकेशन की, तो एआई की भी लिमिटेशन है कि वो वोकेशनली सब काम नहीं कर सकती, स्किल बेस्ड काम नहीं कर सकती है, कुछ कर भी सकती है लेकिन हर काम नहीं कर सकती है। तो वहां पर वोकेशनल एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। तो सरकार ने ऑब्वियसली उसका 50% का टारगेट रखा है बाय द ईयर 2025। अगर हम बात करें आज की डेट की रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट की, तो एनआरएफ बनाया जाएगा जो कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। ये ही रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंट्रोल करेगा। अगर हम बात देखें तो चाइना, यूएसए और इसराइल, ये अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड इनोवेशन पे कितना खर्च करते हैं अपने जीडीपी का? तो चाइना खर्च करता है 2.1% अपने जीडीपी का रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर, यूएसए करता है 2.8% और इसराइल 4.3%। तो आप देख रहे हैं कि इसराइल एक छोटा सा देश है लेकिन 4.3% ऑफ द जीडीपी वो इन्वेस्ट करता है अपने रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनोवेशन के एरिया में वो आ गया। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया इज शॉकिंगली वेरी वेरी लो, 0.69%। तो ये कहीं ना कहीं बड़े कंसर्न्स हैं इंडिया के रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। तो एजुकेशन में जैसा कि हमने बात करी थी पहले भी कि आरयूज बनाई जाएंगी, रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे जिनका पूरा फोकस जो होगा वो रिसर्च पर होगा। तो वहीं कहीं ना कहीं इस पॉइंट को कैटर करने की कोशिश की गई है, जो आज की डेट की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनेंगे और एमिनेंट एक्सपर्ट कमिटीज के साथ उनका सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्वॉल्वमेंट होगा। ये एमिनेंट एक्सपर्ट कमिटीज जो होंगे वो अपने एरिया के बहुत ही व्हाट शुड आई से, बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटीज होंगी, जैसे हमने बात करी मिस्टर कस्तूरी रंगन की या टीएसआर सर की। तो ये लोग अपने एरिया में एमिनेंट है, तो इन्हीं जैसे लोगों की कमेटी एक बनाई जाएगी, एक्सपर्ट कमेटी, और वही लोग सिलेक्शन प्रोसीजर का पार्ट बनेंगे। तो ये एक बड़ा पॉइंट होने जा रहा है। इसके बाद जो जैसा हम बात कर चुके हैं कि 0.69% है करंट पर, तो इसको आगे बढ़ाकर 2% तक लेकर जाने की बात कही गई है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम एक लेवल बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉइंट के थ्रू बाकी देशों से। सेटिंग अप ऑफ जीईसी, दैट इज जनरल एजुकेशन काउंसिल, इसका काम होगा फ्रेमवर्क तैयार करना लर्निंग आउटकम्स का और हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स का। तो ये देखेगी कि हायर एजुकेशन में प्रोग्राम्स कौन कौन से होने चाहिए और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है लर्निंग आउटकम्स को लेकर, क्या हमारे रिजल्ट्स होने चाहिए हमारी एजुकेशन के थ्रू। जीईसी जो सबसे मेन बात है, दो चीजों को जोड़ने जा रही है। जैसे एक नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, जैसे जिसे हम NHEQF कहते हैं, इसी तरीके से नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। इन दोनों को सिंक्रनाइज करने की बात कही जा रही है। दैट मीन्स कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स क्वालिफिकेशन, इन दोनों को सिंक्रनाइज करने के लिए भी जीईसी ही काम करेगा। बात करते हैं कर्बिंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आज की डेट में आप जानते हैं कि क्या नाम है, एजुकेशन के अंदर कितना ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया है। कहीं ना कहीं ये हमारी एजुकेशन को बहुत ज्यादा लेवल पर हैम्पर करता है, और क्योंकि हमारा पूरा ध्यान प्रॉफिट मेकिंग पर है, तो एजुकेशन पर ध्यान कम होने की वजह से जो आगे का हमारा यूथ है वो उतना एजुकेट नहीं हो पाता जितना उसे होना चाहिए। तो उसको कर्व करने की कोशिश की गई है, उसको काउंटर करने की कोशिश की गई है इस पॉइंट के थ्रू। इसमें कहा गया है कि जो अभी तक के, ऑब्वियसली आज की डेट में भी ऑडिट होते हैं, बट ऑडिट अंडर सेक्शन 8 जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, आप जानते होंगे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑडिट किए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए नॉर्म्स को और रिफाइन कर सकते हैं, उनके ऑडिट नॉर्म्स को और ज्यादा उनको स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सबसे मेन बात जो इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत होती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, तो उसको देखा जाएगा कि भाई एक जैसे एक मैं बात करूं कि ट्रस्टी है अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, तो कहीं सारे के सारे उसी के घर परिवार के लोग ही तो नहीं पूरा एजुकेशन को सर्व कर रहे हैं और उसे प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए सरकार ने इस पॉइंट को देखा है। नेक्स्ट है कि अगर एजुकेशन, वैसे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ही होते हैं, लेकिन अगर वो कुछ सरप्लस अचीव कर रहे हैं
तो उनको उसे री इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन में, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग को काउंटर करने की बात कही गई है। इसके अलावा प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स को एनकरेज करने की बात कही गई कि अगर कोई अच्छे पैसे वाला आदमी है प्राइवेट लेवल पर या प्राइवेट कोई कंपनी है, अगर वो कोई डोनेशंस कोई फिलैंथ्रोपिक वर्क करना चाहती है तो ऑब्वियसली सरकार उसे एनकरेज करेगी, लेकिन इस चीज को कॉन्स्टेंट वॉच किया जाएगा कि कहीं वो एजुकेशन को कमर्शलाइज करने के लिए तो ये कहीं फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं बन रहा है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा जो रेलेवेंट थिंग्स मुझे लगी उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था उसमें है 100 बड़ी यूनिवर्सिटी को, जो टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनको परमिशन दी जाएगी कि वो इंडिया में आकर अपना सेटअप लगाएं और यहाँ के बच्चों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करें। इसके अलावा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और रिसर्च कोलेबोरेशन प्रोग्राम्स भी इसका पार्ट बनेंगे, तो यहाँ पर ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात को ध्यान में रखा गया। अगर मैं दूसरा पॉइंट बोलूं तो ऑटोनॉमी टू ग्रांट डिग्रीज, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि ACs इसके लिए बनेंगे, ऑटोनॉमी जो कॉलेजेस होंगे, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, एग्जांपल भी दिया था श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या हिंदू कॉलेज या सेंट स्टीवेंस कॉलेज का, तो ऐसे कॉलेजेस को ACs कहा जाएगा, इनको अलाउ होगा, इनको ऑटोनॉमी होगी कि वो डिग्री ग्रांट कर सकते हैं, और बाकी कॉलेजेस को एज अ टीचिंग यूनिवर्सिटीज या टीचिंग इंस्टीट्यूट ही कहा जाएगा और उनको एफिलिएशन चाहिए होगा, ये एफिलिएशन सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक से ज्यादा कोर्स अलाउ करे जाएंगे एक बच्चे को, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। उसके अलावा अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसकी बात भी हम कर चुके हैं कि ये बनाया जाएगा जिसको उसे 3 से 5 सालों के अंदर यूटिलाइज करना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट है HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, ये बनेगी, ये डेवलपमेंटल प्लान क्रिएट करेगी कि किस तरीके से एक इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंटल प्लान है वो कितना उसको अच्छे से बना पाए हैं, कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, उसके बेसिस पर उनकी फाइनेंसिंग की जाएगी, उसके बेसिस पर उसको फाइनेंस इशू किया जाएगा, और ये काम करने के लिए HEGC होगी, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। अब बात करते हैं अपने थर्ड सेगमेंट के ऊपर जो कि अदर की एरियाज ऑफ फोकस है, जिसमें तीन चीजों पर पॉइंट आउट किया गया है, एडल्ट एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड कल्चर एंड द टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन, इन तीन चीजों के ऊपर बात की गई है। पहले चलते हैं एडल्ट एजुकेशन के ऊपर। अगर हम वर्ल्ड वाइड डेटा के ऊपर बात करें तो जैसा आप पहले बात कर चुके थे कि बहुत बड़ा कोरिलेशन होता है एक लिटरेसी रेट और एक कंट्री के GDP के, पर कैपिटा GDP के अगर हम बात करें तो इन दोनों का कोरिलेशन बहुत हाई है। तो इसका मतलब अगर एक लिटरेट समाज है, एक लिटरेट सोसाइटी है, तो ऑब्वियसली उस एरिया में, उस सोसाइटी में पर कैपिटा जो उनका इनकम होगा वो भी ज्यादा होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखा गया, इसीलिए एडल्ट एजुकेशन को फिर से, जिसे हम पहले प्रौढ़ शिक्षा कहते थे, एडल्ट एजुकेशन, उसको दोबारा से उस पर फोकस करने की कोशिश की गई है। वॉलंटियरिज्म एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड मोबिलाइजेशन, इसके ऊपर बात की गई है कि जैसे जो भी एक्सपर्ट होते हैं आपके एरिया के या जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, गुड लर्नर्स हैं, वो इसका पार्ट बन सकते हैं वॉलंटियरली और इन्वॉल्व हो सकते हैं उनकी एजुकेशन के लिए, एडल्ट लोगों की एजुकेशन के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें 5 तरीके के प्रोग्राम्स की बात कही गई है। सबसे पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, आज की डेट में अगर हम बात करें तो जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पेटीएम चलाना नहीं जानते हैं, वो ATM कार्ड यूज करना नहीं जानते हैं, ऐसे कई सारे केसेस होते हैं, तो फाइनेंशियल लिटरेसी उन्हें दी जाएगी, कहीं ना कहीं उनको समझाया जाएगा कि ये आगे की चीजें हैं और इनको यूज करने से उनको बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम किया जाएगा, डिजिटल लिटरेसी में उनको फोन या एप्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू उनको लिटरेट करने की कोशिश है। कमर्शियल स्किल्स, किस तरीके से वो अपनी कमर्शियल वायबिलिटी बढ़ा सकते हैं, वो लोग जो अनएजुकेटेड हैं और वो एजुकेट होना चाहते हैं, तो उनकी कमर्शियल स्किल्स को भी बढ़ाया जाएगा, उनके हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस सिस्टम को भी देखा जाएगा। इसके अलावा वोकेशनल स्किल्स, इसके ऊपर हम काफी बात कर चुके हैं, वोकेशनल एजुकेशन, इसके ऊपर भी एडल्ट एजुकेशन का पार्ट से बनाया गया कि उनको कैसे स्किल्स उनके उनको दी जाए, हैंड स्किल्स जो होती है, बेसिकली हैंडीक्राफ्ट हो गया
या फिर क्लोथ मेकिंग हो गया या पॉटरी हो गया, इन सब एरियाज में भी वो जा सकते हैं और अपने आप को एम्प्लॉय कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकते हैं. बेसिक एजुकेशन इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज इक्विवेलेंसी, जैसा हमने बात किया था शुरुआत में ही कि हमारे जो चार पॉइंट्स थे 5-3-3-4, दैट मीन्स फाउंडेशनल, उसके बाद हम गए थे प्रेपरेटरी, फिर मिडिल और फिर सेकेंडरी पर हम गए थे. उसी हिसाब से एडल्ट एजुकेशन को भी बनाया गया है, उनको भी इसी चार लेवल्स के थ्रू धीरे धीरे कर आगे बढ़ाया जाएगा. कंटिन्यूइंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक एक्सेट्रा, इनको एडल्ट एजुकेशन का पार्ट स्पोर्ट्स और म्यूजिक को भी बनाया जाएगा. कहीं ना कहीं ये फिटनेस को ध्यान में रखकर चीजें बनाई गई हैं. आपकी म्यूजिक, ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि म्यूजिक आपको कहीं ना कहीं एक शार्प एज देती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को लेवल अप करती है. तो एडल्ट एजुकेशन में म्यूजिक को भी इन्वॉल्व किया गया है. क्वालिफाइड कम्युनिटी मेंबर्स, ये हम बात कर चुके हैं कि वो वॉलंटियरली अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, जो उस एरिया के गुड लर्नेड लोग हैं तो वो वॉलंटियरली इसका पार्ट बन सकते हैं एडल्ट एजुकेशन का. इसके लिए गवर्नमेंट उन्हें रिकॉग्नाइज करेगी और कहीं ना कहीं उनको कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड होंगे. प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर, आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 50 सालों में यूनेस्को के अकॉर्डिंग, ये यूनेस्को का रिकॉर्ड है, हम अपनी 197 लैंग्वेजेस को ऑलरेडी एंडेंजर कर चुके हैं. दैट मीन्स ये अभी खत्म नहीं है बट खत्म होने के कगार पर है. तो इसको बचाने के लिए, इन लैंग्वेजेस को बचाने के लिए सरकार ने इंपॉर्टेंट कदम उठाया है और इसको ध्यान में रखा गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में. तो जो सरकार अब चाहती है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई करें, तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से कनेक्टेड है. प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियाज कल्चरल वेल्थ, जैसे आर्ट है, लिटरेचर है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, आर्टिफैक्ट्स, हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट्स, योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक, जो भी हमारे ट्रेडिशनल ये चीजें हैं, इनको कहीं ना कहीं रिवाइव करने की कोशिश की गई है ताकि ये भी हमारी 197 लैंग्वेजेस की तरह खत्म ना हो जाए. ऑलरेडी हम बहुत सारे अपने कल्चरल एक्टिविटीज, अपने कस्टम्स को खो चुके हैं, बट हम चाहें तो उनको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, उनको दोबारा खड़ा कर सकते हैं. तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट वही पॉइंट को दर्शाता है. इसके अलावा है फिलिंग ऑफ स्कैसिटी ऑफ स्किल्ड लैंग्वेज टीचर्स, सॉरी यहाँ पर ये किल्ड हो गया बट ये स्किल्ड होना चाहिए था. सो यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने की बात कही गई है हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स के थ्रू, या ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन. इसके लिए तो इनफैक्ट जो गवर्नमेंट सोच रही है नए इंस्टीट्यूट खोलने की, कि ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन, इसके लिए सरकार बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है. कि जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूं, तो गढ़वाली एक डायलेक्ट है, एक बोली है, लैंग्वेज नहीं है, बट इसी को ट्रांसलेट करना, इसी को इंटरप्रिटेशन करना और इसके एक रिकॉर्ड मेकिंग करना, सरकार चाहती है कि इसके एक रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएं ताकि ये एंडेंजर ना हो कभी. हम चाहें तो फ्यूचर में इसके रिकॉर्ड एक्सेस करके इसको दोबारा से, अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आती है कि कहीं ना कहीं कमी लग रही है, तो हम दोबारा उसको खड़ा कर सकें. वो हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज, जो आज की डेट में हमारे लिए हो गया, इतना बड़ा आगे ना हो, तो इसके लिए ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन के लिए सरकार इंस्टीट्यूट्स भी बनाने जा रही है. हाई क्वालिटी लर्निंग मटेरियल्स बनाएगी ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के थ्रू. इसके अलावा ये मैंने अभी जैसे आपसे बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये एस्टैब्लिश किए जाएंगे, जो कि स्पेसिफिकली लैंग्वेज, आर्ट और कल्चर के लिए ही होंगे. एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज फॉर क्लासिकल लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस, पाली, हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं जो पुरानी है, जैसे वो तो हम काफी चीजें खो चुके हैं, बहुत बड़ा हम अपना कह सकते हैं ट्रेजर हम खो चुके हैं, बट अभी जो बचा है हमारे पास, एटलीस्ट हम उसको ना खोएं, तो इसके लिए सरकार ने ये ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने की बात कही है और इन्हीं को एक्सपैंड करेंगे. मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, जिनको हम मेरू कहेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज इनको कहा जाएगा. ये यूनिवर्सिटी होलिस्टिकली मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर काम करेगी. इस तरीके की यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज, आर्ट्स एंड कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, इनकी ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन जैसा हम बात कर चुके हैं, इस पर ध्यान दिया जाएगा. बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल यूज एंड इंटीग्रेशन की. तो सबसे पहला पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन को हर लेवल पर बाई डायरेक्शनल करने की बात कही गई है, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हो और टेक्नोलॉजी में
एजुकेशन हो, दोनों एक दूसरे से रिलेट हों, डायरेक्टली रिलेट हों, एक दूसरे से हर लेवल पर बाई डायरेक्शनल हों, इसके लिए सरकार ने इस एजुकेशन पॉलिसी पे कहा है। सेकेंड पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। जैसा बात पहले ही पॉइंट पर कर चुके हैं इस पे कि सरकार चाहती है कि जो आपकी आगे की पढ़ाई हो, जैसे अगर हम बात करें आज की डेट पे, तो हम बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देख चुके हैं जहां पर सरकार टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को एजुकेट कर रही है। एक NEAT का कॉन्सेप्ट है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसका एक कॉन्सेप्ट है जहां पर सरकार एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लेकर आएगी। एक ही पोर्टल होगा नीट का, और ये एक सिंगल पोर्टल सिस्टम होगा जिसमें ये अपने आप में एक फ्री क्या कह सकते हैं, एक फ्री टेक्नोलॉजी बेस्ड बॉडी होगी जिसमें जिसका काम होगा कि सारे सॉफ्टवेयर सारी इन टेक्नोलॉजीज पे काम करना और एक सिंगल पोर्टल क्रिएट करना जहां पर सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल हो एजुकेशन से रिलेटेड। इसके अलावा वैरायटी ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स विल बी डेवलप्ड, ये टीचर्स को हेल्प करेगा, स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, जो इससे बेनिफिट लेना चाहे वो ले सकता है। जैसे आज की डेट में हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट कर रही है। इसमें जो सबसे बड़ा आज की डेट में है, स्वयं बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि स्वयं करके आप एक बार यूट्यूब को खोलें और गूगल में एक बार टाइप करें स्वयं कैपिटल लेटर्स में, तो आपको एक ऐसा पोर्टल दिखेगा जहां से आप बहुत सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले चुके हैं। तो सरकार चाह रही है कि एजुकेशन को इतना सिंप्लीफाइड और इतना इजीली एक्सेसिबल कर दिया जाए ताकि हर कोई उसका बेनिफिट ले सके, हर किसी के लिए। जैसे हमने पहली बात करी थी कि एजुकेशन होता क्या है, तो वो ग्रुप वो एक्चुअली लेवलर होता है, ग्रेट लेवलर होता है, तो उसी को ध्यान में रखकर सरकार इस तरीके के इनिशिएटिव्स ले रही है कि स्वयं जैसी चीजें डेवलप कर रही है जिससे कि आगे चलकर लोग उसका बेनिफिट ले सकें, चाहे टीचर्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों। फाइनल हम अपने लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, मेकिंग इट हैपन में। इसमें तीन चीजें हैं, एक IES जैसी एक सर्विस सरकार शुरू करने जा रही है, एजुकेशन के एरिया में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है ये। इंडियन एजुकेशन सर्विस, जैसे आज की डेट में IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या और फॉरेन सर्विसेज होता है, IPS होता है, इसी तरीके से IES इंजीनियरिंग सर्विस भी होता है, बट IES इंडियन एजुकेशन सर्विसेज भी बनाने के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है। और इसका आप समझ सकते हैं कि मेन रोल केवल और केवल एजुकेशन पर ध्यान देने का होगा। इन सब चीजों की फाइनेंसिंग कैसे होगी, सब लोगों को कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है, इसके ऊपर बात है। और फाइनली इसका इंप्लीमेंटेशन बात करते हैं, IAS की परमानेंट इंडियन एजुकेशन सर्विस, इसका एक कैडर डेवलप किया जाएगा जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी स्पेशलिस्ट कैडर की होगी और एजुकेशन के ऊपर इसमें डेफिनेटली काम किया जाएगा। इनके काम क्या होंगे, प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना करिकुलम का, करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए, उसके फ्रेमवर्क को तैयार करना, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाना और फिर उसे एडमिनिस्टर करना, उसकी प्लानिंग करना और उसकी फाइनेंसिंग करना, ये तीन काम होंगे IES कैडर की सर्विस के। अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी एजुकेशन को सबके लिए कैसे ध्यान में रखा गया, हम बात करते हैं कि आज की डेट में जो 4.43% ऑफ GDP हम एजुकेशन पे लगा रहे हैं वो उसका लेवल रेस करके 6% ऑफ GDP कर दिया गया। ये सरकार अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है, बट ये एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि ड्रास्टिक चेंज है, ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कहूँगा कि जिस लेवल की ये एजुकेशन पॉलिसी है, अगर ये 30-40% भी एप्लीकेबल हो गई तो इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जैसा मेरे को समझ में आ रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सरकार इसको बढ़ाने जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया 6% ऑफ GDP सरकार कर रही है, और 20% अगले 10 सालों में सरकार इसे अचीव करने की सोच रही है। आज की डेट में तो 6%, बट इसको बढ़ा के 20%, ये तो बहुत बड़ा मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो जाए, जो कि आज की डेट में मुझे बहुत मुश्किल लगता है इतना बड़ा चेंज पिछले अगले 10 सालों में करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगेन अगर ये पॉसिबल हो गया तो ये इंडिया को कहीं ना कहीं विश्वगुरु बनाकर ही छोड़ेंगे। बात करते हैं अगला, तो ये हम बात कर चुके हैं कि रिसर्च एंड इनोवेशन में 2% का इन्वेस्टमेंट GDP का
स्पेसिफिकली रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए लगाया जाएगा, तो इससे क्वालिटी एनहांसमेंट होगा, ये आप बात समझ सकते हैं। और क्योंकि रिसर्च और इनोवेशन के थ्रू नई नई एजुकेशन आएगी, उसको चीप करा जाएगा, उसको सस्ता किया जाएगा, उसको इजीली एक्सेसिबल बनाया जाएगा, तो ये अफोर्डेबल भी बन जाएगा सभी के लिए। फाइनली हम आ गए अपने लास्ट पार्ट पे, लास्ट स्लाइड पे, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। इसमें वेरियस बॉडीज आज की डेट में है बनाई या फिर होने वाली हैं, जिसको हम कहें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन, बोर्ड्स, NTA, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये अलग अलग बॉडीज हैं, इन सब को मिलकर काम करना पड़ेगा। रेगुलेटरी बॉडीज भी अलग से हैं, स्कूल की जो स्कूल की या हायर एजुकेशन की जो अपनी रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे NCERT, SCERT है, स्कूल्स हैं अपनी उनकी बॉडीज होती हैं, या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये दोनों के दोनों, यानी कि ऊपर वाले जो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीचे वाले बात करूं रेगुलेटरी बॉडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों इन सारी पॉलिसी जिसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का काम करेंगे, और वो भी एक टाइमलीनेस के साथ, यानी कि इसके लिए डेडलाइंस होंगी और प्लान के अकॉर्डिंग ही इस पर काम किया जाएगा। सो आई बिलीव मैं आप लोगों को कई सारे पॉइंट्स रख पाया, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे जरूर मिला होगा। एंड मैं प्रदीप जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एक मुझे चांस दिया इस तरीके के पोर्टल पर आने का, इस तरीके के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक मेजर गेम चेंजर होने जा रहा है, तो आई बिलीव कि शायद आप लोगों के लिए ये एक नई चीज की तरीके से नई चीज आपको मिली होगी इससे। तो थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी, ओवर टू यू। थैंक यू निरुपम, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आपनी स्क्रीन शेयर करना बंद कर दीजिए शायद अब। या प्रियंका, वी कैन या थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग अस टू द सेशन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रदीप सर, थैंक यू प्रियंका, thank you Nirupam, and thank you everyone for joining. We'll conclude it then. Thank you.